बिहार चुनाव में एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान की मौत पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की मौत की जांच की मांग की है। इस संबंध में पार्टी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में मांझी की पार्टी की ओर से लिखा गया है कि पिता की मौत के दूसरे ही दिन चिराग हंसते और शूटिंग करते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि पासवान जी का अस्पताल में भर्ती होने के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी न करना भी सवाल खड़े करता है। बिहार चुनाव में नेताओं का चुनावी दौरा जारी है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार हैं वही बेरोजगारी की बातें करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि राज्य में एनडीए का सपोर्ट बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार हमारी सरकार 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ बनने जा रही है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन था। सभी पार्टियों ने वोटर्स को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आरजेडी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पढ़ाई दवाई कमाई और हर खेत में सिंचाई का वादा दोहराया है। महंगाई को मुद्दा बनाते हुए तेजस्वी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में महंगाई चरम पर है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर कहा कि वो किसी का भी समर्थन करेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को हरा कर रहेंगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, वो बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि उनकी पार्टी की विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती। आपको बता दें कि मायावती ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कुछ भी करेंगी, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि बीएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। पीएसपीएल यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के साथ अनबन के वक्त बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की जगह अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी कुछ लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मौजूदा स्थिति सभी को पता है, वो चौतरफा विरोध का सामना कर रही है और सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आज बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि ये जन्मदिन कुछ अलग होने वाला है। हर साल 2 नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन पर उनके बंगले मन्नत के बाहर जश्न सा माहौल रहता है। शाहरुख खान की बालकनी या बंगले की छत पर आना, अपने फैंस को शुक्रिया कहना, ये किसी सौगात से कम नहीं होता। लेकिन कोरोना के कारण शाहरुख ने अपने फैंस से खास अपील की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भीड़ इकट्ठी ना करे, इस बार का प्यार थोड़ा दूर से यार। कंगना रनौत ने एक बार फिर शिवसेना नेता संजय राउत पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में हिमाचल प्रदेश में चल रही फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग से जुड़ी एक न्यूज का आर्टिकल शेयर किया और लिखा कि हिमाचल इस वक्त मुंबई की कई फिल्म यूनिट्स की मेजबानी कर रहा है। अगर कोई इस राज्य से पैसे कमा रहा है तो उसे हरामखोर या नमक हराम नहीं कहा जाएगा। बता दें कि संजय राउत ने मुंबई की तुलना पीओके से करने पर कंगना को हरामखोर कहा था। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। 2 बार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा समन करने के बाद भी वे जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते मंगलवार को करिश्मा के घर से एनसीबी की टीम को 1.8 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी। मालदीव से छुट्टियां मनाकर हाल ही में मुंबई लौटे वरुण धवन फॉरन वर्क मोड में आ गए हैं। लॉकडाउन के लंबे ब्रेक के बाद वरुण अगले महीने से राज मेहता की फैमिली कॉमेडी जुग जुग जियो की शूटिंग शुरू कर देंगे। फिल्म में एक्टर के अपोजिट कियारा आडवाणी नजर आएंगी। फिल्म में अनिल कपूर और नीतू सिंह भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इसके बाद वरुण स्त्री बनाने वाले अमर कौशिक की हॉरर कॉमेडी भेड़िया की शूटिंग भी करेंगे। इस फिल्म की उनके साथ कृति सैनन फाइनल हुई है। कॉमेडी करके थक चुके कार्तिक आर्यन ने हाल ही में एक थ्रिलर फिल्म साइन की है। ये थ्रिलर फिल्म 2013 की कोरियन थ्रिलर द टेरर लाइव का रीमेक है। इस फिल्म का डायरेक्शन सोनम कपूर की फिल्म नीरजा और सुष्मिता सेन की डेब्यू वेब सीरीज आर्या के निर्देशक राम माधवानी करेंगे। इस फिल्म की कहानी एक न्यूज एंकर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने शो में एक आतंकवादी हमले का
लाइव प्रसारण करता है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम के लिए आईपीएल का 13वां सीजन सबसे खराब रहा। टीम लीग के इतिहास में पहली बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी और पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर काबिज है। सीएसके ने अब तक मुंबई इंडियंस के बाद सबसे ज्यादा 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस ये कारनामा 4 बार कर चुकी है। किंग्स इलेवन पंजाब का आईपीएल 13 में सफर निश्चित रूप से खत्म हो गया, लेकिन उसके कप्तान लोकेश राहुल अभी भी लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, इसलिए ऑरेंज कैप भी उन्हीं के पास है। वहीं मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में सबसे आगे हैं, उनके नाम पर्पल कैप है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए अंतिम मैच में राहुल ने 29 रन बनाए थे और इसी के साथ उन्होंने टूर्नामेंट का अंत 14 मैचों में 670 रनों के साथ किया। आईपीएल के 13वें सीजन के 54वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। वहीं राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। कोलकाता ने राजस्थान को 192 रन का टारगेट दिया था, इसके जवाब में राजस्थान 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन ही बना पाई। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने धोनी के अगले आईपीएल में खेलने के बयान पर उन्हें सलाह दी है। उनका कहना है कि एमएस धोनी को अगले सीजन से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, वो अभी भी आईपीएल में 400 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। गावस्कर ने कहा कि माही एक करिश्माई क्रिकेटर हैं और वो अपने बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग को एंजॉय करते हैं। पूरी दुनिया कोविड 19 महामारी से जूझ रही है, लेकिन न्यूजीलैंड कोरोना से मुक्त हो चुका है। वहां खेल की तो वापसी हो चुकी है, फैंस भी स्टेडियम में लौट आए हैं। हाल ही में देश के सबसे पसंदीदा खेल रग्बी का मुकाबला देखने के लिए करीब 30,000 फैंस स्टेडियम पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह फ्रेंडली मुकाबला 16-16 से ड्रॉ रहा।